ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ, मैं पहले टेस्ट करती हूँ चीज़ों को, तभी मैं आपको कुछ भी रिव्यू देती हूँ, भूलना वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कनिका त्यागी और मेरे चैनल पर आपको मिलती है बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मैं बात करने वाली हूँ हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट इनर वियर के बारे में, मीन्स पैंटीज के बारे में। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जिनके रिव्यू भी मैं करूंगी, एंड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही यूजफुल सी देने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कॉटन पैंट्स ट्रेंड में चल रही हैं, लाइक्रा पैंट्स ट्रेंड में चल रही हैं, और जोगर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल। मतलब हर कोई पहनना पसंद करता है, काफी कूल भी लगता है, मैं खुद पहनती हूँ। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है जब समझ नहीं आता कि हम उसके नीचे इनर वियर क्या पहने। मतलब अगर हम अपनी रेगुलर पैंटी उसके नीचे पहनते हैं, उसमें पैंटी लाइन शो होती है एंड बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाता है। कॉटन पैंट्स के नीचे भी सेम होता है। डेनिम्स को छोड़ दो तो बाकी की जो जिस भी फैब्रिक की पैंट्स आती हैं या फिर जोगर्स आते हैं, उनके नीचे पैंटी लाइन शो होती है अगर आप अपनी रेगुलर कॉटन पैंटीज पहनते हो उसके नीचे। मतलब मुझे ये चीज़ें बहुत जल्दी नोटिस हो जाती है, आई डोंट नो वाई। तो मैं इस एम्बैरेसिंग मोमेंट से बचाने के लिए आज आपको आई हूँ, एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉटन पैंट, जोगर और लाइक्रा पैंट्स के नीचे आपको कौन से पैंटीज पहननी चाहिए। डेनिम जीन्स और अदर किसी भी आउटफिट के नीचे आपको कौन सी पैंटी पहननी चाहिए, आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है एक्चुअली आज रिव्यू करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे ये पैंटीज हैं रिव्यू करने के लिए, मैंने खरीदी है Camason.in से। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने उससे पहले एक वीडियो शेयर की थी Camason के कुछ प्रोडक्ट्स की और मुझे बहुत पसंद आए थे, सो मैंने और भी प्रोडक्ट्स उनसे ऑर्डर किए। मैं वन बाय वन उनका रिव्यू आपको दे रही हूँ। लास्ट वीडियो मैंने ब्रा के ऊपर बनाई थी, एंड दिस टाइम मैं आपको पैंटीज के बारे में सब बताने वाली हूँ। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे तीन पैंटी है, ये है कॉटन में, ये मेरे पास है मॉडल लाइक्रा में। यस, हम कॉटन के अलावा भी कोई फैब्रिक यूज कर सकते हैं अपने डेली वियर में। तो इसके बारे में मैं पहले आपको बताती हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे ये तीन हिपस्टर पैंटीज हैं, एक्चुअली इनको हिपस्टर्स बोलते हैं। ये मैंने मंगाई है Camason.in से, एंड इनका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देख सकते हैं कि इनकी इलास्टिक कितनी ज्यादा अच्छी है, और ये जो यहाँ पे चीज दी हुई है, स्टिचिंग जो दी हुई है, इतनी प्रॉपर है कि आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है। मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हो रही है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कुछ चुभ रहा है, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सकते हैं कि ये बिल्कुल भी कॉटन पैंटी के जैसे नहीं है। आप यहाँ से देखो इनकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है, बैक साइड में ये कितने ज़्यादा कवरेज देंगे आप सोच सकते हो। सो जो हिपस्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा कवरेज देते हैं, स्पेशली आपके बैक एरिया पे, एंड आपके साइड बल्जेस को ये कवर करते हैं। साइड में यूजुअली ज़्यादा फैट होता है, तो ये उसको कवर करते हैं। एंड इनको आप जब पहन के ऊपर से कुछ ड्रेस या डेनिम या फिर कॉटन पैंट पहनते हो तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है, जोगर्स में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो इनको जोगर्स के नीचे, कॉटन पैंट्स के नीचे, कॉटन ड्रेसेस के नीचे पहन सकते हैं। लिपस्टर को पहनने से आपकी जो साइड बल्जेस हैं वो कवर हो जाते हैं, पैंटी लाइन शो नहीं होती है, क्योंकि जो बैक एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा कवरेज देता है, फुल कवरेज देता है, दैट्स वाई पैंटी लाइन शो नहीं होती है। इनको पहनना भी डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, लाइक कॉटन पैंटीज, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये कॉटन से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आपको मॉडल लाइक्रा और कॉटन फैब्रिक के बीच में डिफरेंस जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ। एंड इस वाली वीडियो को शेयर कर देना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। इसमें भी कॉटन पैंटीज की तरह डबल लाइनिंग दी हुई है, जो कि हाइजीन को मेंटेन करता है। ऑफिस वियर में जब आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना होता है तो ऐसे ना आपको इरिटेशन होगी, आपको रैशेज हो सकते हैं, बट लिटरली ट्रस्ट मी नहीं होंगे भाई, इनको पहनने से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ, मैं पहले टेस्ट करती हूँ चीज़ों को, तभी मैं आपको कुछ भी रिव्यू देती हूँ। सो मैंने इनको टेस्ट किया है और तभी मैं आपको बता रही हूँ इनके बारे में। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये हिपस्टर्स, एंड हिपस्टर्स का बता दिया मैंने आपको यूज़, किस ड्रेस के नीचे आप इसको पहन सकते हो, कॉटन पैंट्स के नीचे, जॉगर्स के नीचे, जहाँ जिस भी चीज़ में आपको ऐसा लगे कि आपकी पैंटी लाइन शो हो रही है, आप उन हिपस्टर्स को ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे हैं ये तीन रेगुलर कॉटन पैंटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, एंड ये भी मैंने ली हैं Camason.in से। यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर है, रेड कलर है, एंड लाइट बेबी पिंक कलर है, और इनका प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इनको वॉश करके देखा तो इनका प्रिंट नहीं गया, कलर नहीं गया, इनकी जो इलास्टिक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी भी नॉन ब्रांड की जो मैं आज तक यूज़ करती आई हूँ पैंटीज़। अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये बिल्कुल वर्थ इट हैं, बिल्कुल वर्थ इट हैं भाई, एकदम कॉम्पिटिशन दे रही हैं, मुझे बहुत पसंद आई। और Camason की इलास्टिक है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी इलास्टिक है, डबल लेयर यहाँ पे दी हुई है हाइजीन मेंटेन करने के लिए, एंड बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल फैब्रिक है, कॉटन है 100% बट सॉफ्ट कॉटन है, मुझे बहुत पसंद आई ये पैंटीज़। एंड तीन कलर में यहाँ मेरे पास ये पैंटीज़ हैं, और तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। और इनको हम अपनी डेली जीन्स के नीचे या फिर जो भी हम डेली वियर में, लाइक हम घर में रहते हैं,
हम अपने सूट के नीचे, साड़ी के नीचे, हर चीज़ के नीचे, मतलब अपनी डेली यूज़ में, जैसा कि हम एक रेगुलर कॉटन पैंटी यूज़ करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। आपको अगर डाउट है कि आपको कौन सी पैंटीज़ ज़्यादा बेटर हैं, लाइक बहुत ज़्यादा नॉन ब्रांड की पैंटीज़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं, बट ये एकदम अफोर्डेबल हैं और इनकी क्वालिटी एकदम टक्कर देती है। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इनका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, मतलब ये बॉडी हगिंग जो फैब्रिक होता है ना, एक सॉफ्ट सा, मतलब आप चाहते हो कि आपके इनरवियर सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल हो, तो ये बिल्कुल वही है, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप भी Amazon.in से ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। आपने ब्रा गाइड वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, ब्रा का साइज चार्ट भी मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आपको कॉटन पैंट्स, जॉगर्स और लाइक्रा पैंट्स के नीचे क्या पहनना चाहिए जिससे आपकी पैंटी लाइन शो ना हो। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट यूजफुल से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।